फिल्म ओम शांति ओम का वह डायलॉग किसे नहीं याद होगा, जिसमें शाहरुख खान बोलते हैं, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलवाने में लग जाती है। रीना छिबर वर्मा की बस चाहत इतनी थी कि वह अपनी पुश्तैनी घर को एक बार फिर से देख सके, दीदार कर सके। परिस्थितियां ऐसी बनी कि 15 साल की उम्र में छूटा घर तो 75 साल बाद उस दहलीज पर रखा फिर से पांव। पाकिस्तानियों का जीता दिल हो रही है इनकी खूब तारीफ। भारत पाकिस्तान के वर्तमान रिश्ते भले ही जैसे रहे हों, लेकिन नागरिकों का प्यार एक दूसरे के शहर के प्रति आज भी उतना ही गहरा है जितना आजादी से ठीक पहले था। जिसका जन्म आजादी से पहले हुआ था, उसकी इच्छा होती है लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की उन गलियों में घूम आए, या फिर पाकिस्तान के लोगों की इच्छा होती है कि वो भी दिल्ली, तब के इलाहाबाद और लखनऊ घूम आए, उन गलियों को एक बार फिर से निहार ले जहां अपना बचपन गुजरा था। हम भारत पाकिस्तान के उन शहरों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बंटवारे के बाद लाखों लोगों का ठिकाना बदला, लाखों लोग विस्थापित हुए, लेकिन जब जब बचपन याद आती है तो बस वो गलियां, वो खिड़कियां, वो स्कूल, वो दोस्त सब याद आते हैं। तब एक ही इच्छा होती है, बस मिल लेते। रीना वर्मा जब पाकिस्तान से लौटकर वापस भारत आई तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अपने घर लौटने के एहसास को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत ही अच्छी फीलिंग है, मैं एक रात वहां अपने ही कमरे में सोकर आई हूं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत मिली, इतनी ज्यादा कि उसकी उम्मीद भी नहीं थी। जब मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि क्या वे पाकिस्तान से कोई याद लेकर आई हैं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ तो मिल जाए, लेकिन घर का कुछ था ही नहीं वहां पर। कहा कि बचपन की याद ताजी हो गई, हमारे घर में अंदर अंगीठी बनती थी, उसके नीचे मेरे पिताजी ने डिजाइन बनवाया था, उसके साथ एक तस्वीर जरूर खिंचवाई है। लंबे समय बाद जब कोई अपने घर की दहलीज पर जाए तो मानो सब कुछ पहले जैसा लगने लगता है। रीना ने बताया कि ऐसा लग रहा था जैसे मानो बचपन में ही जी रही हूं, मुझे भाई बहन माता पिता सब एक नजर से याद आ रहे थे। पाकिस्तान में अपने जैसा प्यार मिला, कहा कि भारत और पाकिस्तान में कोई फर्क ही नहीं है। रीना ने उस बालकनी में जाकर अपने बचपन के गीत गुनगुनाए और भावुक हो गई। पाकिस्तान यात्रा के दौरान रीना अपने बचपन के उन स्थलों को भी नहीं भूली जो कि उनके लिए सबसे प्यारी थी, जिसमें लोकप्रिय पर्यटन स्थल मरी का दीदार किया। उसके बाद वो लाहौर में स्थित फारमैन क्रिश्चियन कॉलेज का दौरा किया जहां उनके पति ने पढ़ाई की थी। वहां पहुंचने के बाद वो भावुक हो गई। बता दें कि जब रीना की उम्र महज 15 साल की थी, तब वह साल 1947 का था जब रीना भारत घूमने आई थी और यहाँ दंगा भड़क गया, जिसके बाद वह कभी लौट कर अपने घर रावलपिंडी ना जा सकी। लेकिन अब जब वह अपने घर पहुंच गई तो वह भावुक हो गई, जैसे आंखों के सामने सब कुछ पुरानी तस्वीरें एक फिल्म के रील की तरह चल रही हो। रीना के भारत से पाकिस्तान जाने में इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब का बड़ा योगदान रहा, जिसके मुहिम के कारण रीना छिब्बर वर्मा पाकिस्तान जा पाई। बीबीसी की एक रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बान खान का भी बहुत बड़ा इस पूरे प्रकरण में योगदान रहा है। तो ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है पाकिस्तान के लोगों की तरफ से भी, भारत के लोगों की तरफ से भी, कि जो पुराने लोग हैं, जो आज़ादी से पहले पाकिस्तान में थे, जो पाकिस्तान में वर्तमान में रह रहे हैं, वो पहले कभी भारत में रहते थे, वो एक बार फिर से अपनी उन दहलीजों को देख सके, उन घरों को देख सके जहां उन्होंने अपने बचपन के दिन बिताए हैं, जहां उन्होंने अपनी मासूमियत एक लंबे अरसे तक बिताई है, उन गलियों में वो खेले हैं, उन गलियों में वो घूमे हैं, उन गलियों में उनके दोस्त मिले हैं।